हेलो दोस्तों, टेंस की श्रृंखला में आज हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक्सप्लेन करेंगे। पूरे 12 टेंस में पास्ट इंडेफिनिट एक अलग टेंस है। इसके अंतर्गत बहुत सारे सेंटेंसेस आप यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस कैसे होते हैं, कैसे हम इन्हें पहचाने, इनके सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, आज ये सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट आज आपको पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो जिससे पास्ट इंडेफिनिट को पहचानने में, इसके सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा डिटेक्शन में कैसे पहचानेंगे, हाउ टू रिकॉग्नाइज द सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। मैंने इजी स्टेप एक दिया है। सेंटेंस के जो मेन वर्ब होते हैं, हिंदी वाक्य की जो मुख्य क्रिया आयोजित होती है उसके अंत में ता था या ही, एक कोष्ठक में लिखा स्वर ध्वनि होना चाहिए। आप देखिए वह गया तो या में य प्लस आ का है या आ, स्वर ध्वनि है, वाक्य साउंड मिलेगा। सेंटेंस में जो मुख्य क्रिया होगी उसके अंत में वाक्य साउंड आपको मिलेगा, और जब वाक्य साउंड आपको मिले तो आपको समझ लेना चाहिए कि सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है। तो आसानी से आप पहचान सकते हैं कि सेंटेंस किस टेंस का है। जब टेंस पहचान जाएंगे तो आसानी से आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पहचानने का रूल्स मैंने आपको बता दिया। कैसे आप पहचानेंगे, क्रिया के अंत में जब वॉवल साउंड हो, कुछ आपको लेटर्स भी दिए गए हैं, वर्ड भी दिए गए हैं, जैसे ये ता था, ती थी, या ये, ऐसे हैं कुछ साउंड्स जिन्हें आप पहचान करके ये जान सकते हैं वो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है। ट्रांसलेट कैसे करेंगे रूल्स देखिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट उस सेंटेंस का सिंगुलर हो या प्लूरल, किसी भी नंबर का सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर नंबर का हो चाहे प्लूरल नंबर का। आपको बताया गया कि सब्जेक्ट में जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं वो दो ही नंबर के होते हैं, या तो सिंगुलर नंबर के हो या तो प्लूरल नंबर के, नंबर आपके दो ही होते हैं, चाहे सिंगुलर नंबर का हो या प्लूरल नंबर का। तो यहां पर सब्जेक्ट से आपको बिल्कुल टेंस नहीं करना, सब्जेक्ट आपका किसी भी नंबर का हो, सिंगुलर नंबर का हो या प्लूरल नंबर का, दोनों के साथ भी टू, भी टू का मतलब क्या हुआ, क्रिया का दूसरा रूप, वर्ब का सेकंड फॉर्म आप लगाएं, क्रिया का दूसरा रूप लगा देंगे। पूरे 12 टेंस में पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसमें क्रिया का दूसरा रूप लगाया जाता है, और कहीं भी पूरे इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश ग्रामर में, कहीं भी किसी भी सेंटेंस में आपको वी टू नहीं मिलेगा। यदि वी टू लगा है, क्रिया का दूसरा रूप लगा हुआ है, क्रिया का दूसरा फॉर्म लगा हुआ है, तो आपको ये बिल्कुल कंसीडर करना होगा, आपको समझ लेना होगा कि वह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, और पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स से उस सेंटेंस को प्रोसेस करना होगा। तो क्रिया का दूसरा रूप पूरे 12 टेंस में ये एक ही ऐसा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट जिसे आप कहते हैं, उसमें क्रिया का दूसरा रूप लगाया जाता है। लेकिन जब ये सेंटेंस निगेटिव है, जब सेंटेंस ये निगेटिव हो तो बताएगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सिंगुलर हो या प्लूरल, तब निगेटिव में डिडंट, डिड नॉट, डिडंट का यूज करते हैं, और जब डिडंट लग जाता है तब जो क्रिया, जो मुख्य क्रिया मेन वर्ब जो सेकंड फॉर्म में रहा था अभी तक अफर्मेटिव सेंटेंस में, ये निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने डिडंट का यूज कर लिया है। डिडंट लगने से क्रिया हमारे यहां अपने मूल रूप में आ जाती है। इंट्रागेटिव है, इंट्रागेटिव तो वही क्या के लिए फर्स्ट अगर है तो क्या के लिए हम पहले हेल्पिंग वर्ब, एजेंटिव वर्ब को डिड पहले लिख देते हैं, फिर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर या प्लूरल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड यहां लगा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इंट्रागेटिव सेकंड है तो डब्ल्यू एस फैमिली वाला वर्ड जो आया हुआ होगा सेंटेंस में उसको लिखेंगे, फिर डिड लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू क्या है आपको डिड लगाना ही है, पास्ट इंडेफिनिट रहिए क्योंकि आपके पास एक ही एक्जुअली है डिड पास्ट इंडेफिनिट में, तो आप डिड लगाएं, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो गया प्लूरल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे
अंगूठी बनाया। अब सुनान मेरे लिए अंगूठी बनाया तो आप कह सकते हैं गोल्ड स्मिथ, गोल्ड मेकर भी लिख सकते हैं बट गोल्ड स्मिथ लिखी, गोल्ड स्मिथ बनाना, बनाना कहते थे मेक, उसका सेकंड फॉर्म मेड, मेड क्या बनाया अंगूठी रिंग, किसके लिए मेरे लिए, लिए के फॉर मी, फॉर मी गोल्ड स्मिथ मेड रिंग फॉर मी, गोल्ड स्मिथ मेड रिंग फॉर मी। अब आपने यहां देखा यह है ना इस सेंटेंस में क्रिया बनाना ये मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, उसके अंत में या भी आया हुआ है और वाक्य सवर्ण भी है, स्वर ध्वनि है या आ, या प्लस आ स्वर ध्वनि, तो यहां क्या हुआ ये आपका वर्ब पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड है। ट्रांसलेट मैंने किया, पहले सब्जेक्ट लिखा गोल्ड स्मिथ, इसके नंबर को बिल्कुल माइंड ना करें, ये पास्ट इंडेफिनिट है। वर्ब जो भी हो उसका सेकंड फॉर्म मेक माने बनाना, बनाया मेड, मेड क्या बनाया रिंग फॉर मी मेरे लिए। वह जौनपुर नहीं गया, वह जौनपुर नहीं गया, he didn't, अब यहां didn't लग गया तो जाना कहते थे वो, तो वो भी लिखेंगे क्योंकि निगेटिव सेंटेंस आपको बताया गया तो didn't लग रहा है, did का यूज हो तब वर्ब अपने मूल रूप में आ जाता है, तो he didn't go to John। तो इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं, चाहे बड़ा सेंटेंस हो चाहे छोटा सेंटेंस हो। सेंटेंस कैसे आप बनाएंगे, कैसे हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में ट्रांसलेट करेंगे, इसके कुछ को मैंने वीडियो में बताया था, फिर से आपको और इजी रूल्स बताए जाएंगे, लेकिन यहाँ जो सेंटेंस आपको बताएगा ये जो रूल्स बताए ये भी बहुत इजी है, इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करिएगा, ट्रांसलेट करिएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टेंस के विषय में बताया जाएगा। थैंक यू।